अब याद करो कि कितना छोटा आया था ये। Happy birthday to you, Astro. अब याद करो कि कितना छोटा आया था ये, पॉकेट साइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे, और ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। सो रात के 12 बजे शुक्रवार को, जैसे ही 12 बजा, हमने एस्ट्रो को विश किया है और हमारा एस्ट्रो हो गया है पूरे 2 साल का। सो आपको पता है इतना छोटा ये हमारे पास आया था, जस्ट 39 डेज़ का था, और पॉकेट साइज डॉग जो बोलते हैं ना, अगर पॉकेट में डालो तो पॉकेट में भी आ जाए, इतना छोटा इसका साइज़ था। और अब हमारा एस्ट्रो कितना बड़ा हो गया है। सो बड़े ही धूमधाम से उसका बर्थडे हमने मनाया है। सो सुबह का ही टाइम है और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ चढ़ा दी थी चाय, और एक साइड में चढ़ाया हुआ है तवा, और ये जो ब्रेड बटर सुबह सुबह डेली जो लगता है वो है हस्बैंड के लिए, तो उन्हीं को मैं चाय और ब्रेड बटर दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने बनाया है बच्चों की पसंद का और एस्ट्रो की पसंद का खाना। और बस यहाँ पे चाय बन गई थी, सो चाय छान ली थी, ये 2 कप में ही छान ली थी चाय। बच्चों ने एकदम भी अभी तक तो चाय नहीं ली है, ठंड हल्की फुल्की यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, बट अभी तक नहीं ली है। संतरे बड़े अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे, तो डेली ही उनको मैं 1 ग्लास करके, जो कांच का छोटा ग्लास होता है, उसमें एक एक ग्लास में जूस दे देती हूँ। सो उसमें वो खुश हो जाते हैं। कभी कभार अगर मन करता है बच्चों का तो मांग लेते हैं कि भाई चाय हम भी पियेंगे। और ये यहाँ लेटा हुआ है, बिछा पड़ा है अपने बर्थडे के दिन, ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब पैरों में पड़ा हुआ है। वैसे तो ऐसे ही लेटा रहता है कि आशीर्वाद मांग रहा है कि भाई मेरा बर्थडे है, आप मुझे आशीर्वाद दो। सो प्याज फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और बिरयानी बनेगी, हमारी एस्ट्रो की भी फेवरेट है, बच्चों की भी फेवरेट है। काफी दिन से बोल रहे हैं मगर मैंने बनाई नहीं थी, बिरयानी मसाला भी बना लिया। और अब प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के कमेंट मत कीजिएगा कि आप इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर आप चिकन भी बनाती हैं। देखिए मेरे घर में बनता है, ऐसी कोई फैमिली, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे सब प्योर एकदम वेज वाले हैं, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। अपने अपने घर का खाना है जो भी है, मेरे बोलने से आप लोगों में से कोई नॉनवेज खाना बंद नहीं करेगा, और आप लोगों के बोलने से यहाँ कोई बंद नहीं करने वाला है। तो ये तो अपने अपने मन की बात होती है, अगर आपके अंदर से आएगा तो छोड़ देंगे। अब बच्चों का मन है तो ठीक है, बना दे रही हूँ। और एस्ट्रो का बर्थडे है, दोपहर में सेलिब्रेट होगा, सब इनके दोस्त वगैरह सारे सब लोग आएंगे। तो बिरयानी बना रही हूँ, और चिकन पकौड़े की बहुत ही ईजी रेसिपी मैं दे रही हूँ। और जो चिकन पकौड़े की रेसिपी है उसको जो वेज है, तो वो चिकन को मतलब इंस्टेड ऑफ चिकन आप पनीर, बेबी कॉर्न वगैरह यूज करके उस पकोड़े को आप बना सकते हैं इजीली। तो आज सारा सब कुछ बच्चों का और एस्ट्रो का ही फेवरेट बन रहा है। सो सबसे पहले यहाँ प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और पुदीना नुकाना है, उसके बाद चिकन को मैरिनेट करके रखूंगी। वैसे बिरयानी की फुल रेसिपी मैंने दे रखी है 1-2 बार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अभी सुनता है पुलिंदा है।
चाहिए था ना, मैंने तो बोला था 10-12 रुपए का थोड़ा चाहिए, मुझे सिर्फ बिरयानी में डालना है। अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा निकाल के रखूंगी तो दूसरे दिन पुदीने का रायता बना दूंगी, इतना नहीं लगेगा। सो यहाँ ये पुदीना 40 रुपीज़ का, ये पूरा एक बड़ा सा बंच आया था पुदीने का। सो इसमें से हाफ मैंने डाला है बिरयानी में और हाफ को पूरा नुका के मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि पुदीने का रायता भी बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे ये प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन, और यही वाला जो तेल है मैं बिरयानी भी सरसों तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड तेल में ना के बराबर यूज़ करती हूँ। अगर कभी पूड़ियाँ सेकनी पड़े तो वो एक बात अलग रहती है, अदरवाइज़ मैं सारा ही खाना सरसों तेल में ही बना लेती हूँ। और बिरयानी आपने सुना भी नहीं होगा ज़्यादातर कि उसको कोई सरसों के तेल में बनाता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल भी सरसों के जो कच्चे तेल की स्मेल होती वो नहीं आती। और यहाँ मैंने पूरा 2 किलो चावल लिया है, अच्छी तरीके से वॉश करके एक ही बार में प्रिपेयर करके रख रही हूँ। सो छोटी इलायची ली है 8 से 10 लौंग, 2-3 स्टिक मैंने सिनेमन के लिए यानी कि दालचीनी, और 5-6 तेज़पत्ता, तो एक ही बार में मैंने उसको डाल के रख दिया है आधे घंटे के लिए भिगो के। यहाँ ले लिया है, ये है 2 किलो चिकन, छोटे पीसेज में कट करके रखा हुआ है। और इसमें मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच बेसन और 4 चम्मच मैदा डाला है मैंने, खाने वाली चम्मच है, और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है यानी कि मक्के का आटा। और अब ऊपर से डाला है मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची और हिसाब से नमक, और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। दैट्स इट, ये 3-4 सामान से ही बहुत अच्छा बनेगा। और इसको बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं रखना है, चलाते हुए इसको ये मतलब ये कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी। अगर आपको फील होता है कि हाँ थोड़े पानी की ज़रूरत है तो थोड़े पानी के छींटे आप दे दीजिए, और ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, 15 से 20 मिनट आप इसको बाहर ही रहने दीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बिरयानी के लिए मैंने पूरा मतलब जो मैरिनेट करके रखते हैं चिकन वो रख दिया था, और सीताफल आ गया था, सो आराम से बैठ के यहाँ पे सीताफल खाया है, क्योंकि दोनों ही जो चिकन मैंने मैरिनेट किए थे उनको अभी 20-25 मिनट है, और इतना बड़ा सीताफल पूरा ख़राब, एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो गया, और कितना महंगा आ रहा है अभी। सो इसको मैंने फेंक दिया, फिर 2 ही पीस थे तो ये एक बचा हुआ था, तो ये तो चलो सही निकला, सो बैठ के यहाँ पे आराम से खाया है मैंने। और बस उसके बाद में जाके मैंने बनाया है खाना। और आपसे मैंने ये बात इसलिए बोली कि आप कमेंट्स में आएगा कि आप पूजा भी करते हैं, चिकन भी बनाते हैं, तो देखिए मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं कोई जो बोलते हैं ना साधु, मैं वो नहीं हूँ कि हर वक्त माला जपती हूँ। जैसे आप लोग अपने घर में डेली बेसिस की रोज़ की पूजा करते हैं, वही मैं भी करती हूँ। बस ये है कि आप मेरे ब्लॉग में देखते हो कि मैं दिया जला रही हूँ, धूप जला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं कोई साध्वी हूँ या फिर मैं कोई पंडित हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, और मेरे घर में खाया जाता है, तो मेरे या आपके बोलने से सब छोड़ेंगे नहीं, ना ही मेरे बोलने से आप लोग छोड़ेंगे, राइट? तो इसीलिए इस तरीके के जो कमेंट्स आते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, कि पता नहीं क्या सोच के इस तरीके के कमेंट लिख देते हैं। चलिए खैर जाने दीजिए। और ये मैंने रूम टेम्परेचर पर ही दूध है, पका हुआ दूध है, उसको ले लिया है, 2 चम्मच के करीब केवड़ा जल, 2 चम्मच गुलाब जल, और वो जो मुगलाई इतर आता है मीठा इतर, तो उसको मैंने 1/2 cc के करीब डाला है क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा है। और फिर ये फूड कलर डाला है, ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लाइट कलर है। और ये देखिए, ये 2 किलो चावल पूरा है और 2 किलो ही चिकन भी है। सो इनके सारे दोस्त वगैरह आए थे, और फिर चिंकी भी बार बार तो आता नहीं है, और ये लोग बोल भी रहे थे कि मम्मी खिला दीजिए, तो इस वजह से मैंने बनाया। और जब एस्ट्रो का बर्थडे है तो ऑब्वियस सी बात है कि दाल चावल या चटनी रोटी तो बनेगी नहीं, तो फिर यहाँ पे बस सेट कर दी थी। और बिरयानी का जो जैसा मैंने आपको बताया कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, फुल रेसिपी मैंने डिटेल में दी है। और इस तरीके से पकौड़े बना के ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो जो मेरे नॉन वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो बस ये 12 पीस यानी कि 1 दर्जन अंडे भी मैंने बॉईल कर लिए थे और लगा दिए इस तरीके से, और बाकी सारा चावल ऊपर से मैंने डाल दिया है। सो बीच में इसलिए मैंने लगाए हैं क्योंकि जब बिरयानी बन जाएगी और उसको चलाया जाएगा साइड से तो अंडे टूटेंगे नहीं। और बस पूरे चावल ऊपर फैलाने के बाद में, सॉरी थोड़े से चावल बचे हुए हैं, ये बीच में मैंने डाला है, थोड़ा सा वो जो कलर घोला था वो
धनिया पुदीने की पत्ती है और एक चम्मच के करीब घी इस वक्त मैंने डाला है। तो फिर बाकी का जो चावल बचा था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है एंड सेम मेथड के साथ में कलर डालूंगी, घी डालूंगी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालूंगी और धनिया पुदीना की पत्ती, दैट्स इट। मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था और मैं मंगाना भी भूल गई थी। और ये देखिए अभी मैंने कलर डाला है और थोड़े से कलर को मैंने और थोड़ा डार्क किया है। अगर आप बाहर से मंगा के भी खाते हैं बिरयानी तो आपको पता होगा कि कहीं लाइट कलर और कहीं थोड़े थोड़े पोर्शन में डार्क कलर रहता है, तो देखने में अच्छी लगती है, इस वजह से डाला मैंने। सो मैं बात कर रही थी कि फॉइल पेपर था नहीं और मैं मंगाना भी भूल गई थी, तो मैंने बहुत समय के बाद में आटा जो होता है उससे मैंने दम लगाया था। बट ये मुझे वेस्टेज ही लगता है, बट क्या करूँ कि एट अ टाइम मुझे याद आया कि मैंने फॉइल पेपर तो मंगाया ही नहीं, तो चलिए इस तरीके से मैंने कर लिया। बट ये है कि ये वेस्टेज ही होता है इस तरीके से दम लगाने से, फिर ये आटा किसी काम का नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं फॉइल पेपर में ही लगाती हूँ। और यहाँ अच्छी तरीके से सेट करके मैंने फुल गैस पर रखा है, 15 मिनट फुल गैस पर रखना है फुल फ्लेम पर, और 20 मिनट तवे के ऊपर रखना है इसको मीडियम गैस पर, वो भी दम पर। और यहाँ पे घर सज रहा है, यहाँ आंचल भी सजा रही थी, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो वो हट गई सामने से। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आती आंचल, तो सबकी अपनी अपनी देखी चॉइस होती है, उसको नहीं पसंद है कैमरा फेस करना, तो मैं भी ज़िद नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे वहाँ तो सज रहा था रूम, बाद में दिखाती हूँ कैसा सजा है। और ये देखिए, आप में से अगर बहुत से लोग अगर चिकन पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो तेल काफ़ी थोड़ा जैसे गंदा सा हो जाता है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में रखा नहीं है और बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं। बट आप ये बना के खा के देखिएगा, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा, सब एक एक बनेंगे एकदम, और इस तरीके और पूरे फुल फ्लेम पर ही बनेंगे, आपको स्लो करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो ये जो मैरिनेशन मैंने किया है चिकन पकौड़ों का, ये आप रात को भी करके और फ्रिज में रख सकते हैं ढक के, कोई दिक्कत नहीं होगी, और निकाल के जब आपको बनाना हो तब आप बनाइए। सो इस तरीके से एक एक बैच करके पूरा सेक लिया था, और 2 किलो चिकन का ही पकौड़ा भी बना था, क्योंकि लोग भी काफ़ी थे, फिर कम पड़ जाता है। और इसी मेथड से आप पनीर के पकोड़े, बेबी कॉर्न के पकोड़े, मिक्स वेज के पकोड़े आप बना सकते हैं पूरे सेम मेथड से, काफ़ी अच्छे बनते हैं। और बाइंडिंग के लिए आप अगर मिक्स वेज वगैरह बनाएंगे तो उसमें थोड़ा बाइंडिंग के लिए बेसन थोड़ा 2 चम्मच ज़्यादा डाल दीजिएगा आप, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। सो पकौड़े वहाँ बन के रेडी हो गए थे, और इसको भी पूरा टाइमिंग के साथ मैंने पका के और 15 से 20 मिनट के बाद में ये मैं हटा रही हूँ। देखिए आटा लगाने से यही होता है, तो चलिए फॉइल पेपर नहीं था बट काम तो बन गया लगाने से, तो सारा आटा मैंने हटाया है चाकू से। और उसके बाद में अब मैं आपको चला के दिखाऊंगी बिरयानी, तो एक एक चावल खिला खिला है और काफ़ी अच्छी बनी थी बिरयानी। तो ये बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। बोलते हैं ना कि बिरयानी बनाना है तो पहले ही लोग सोचते हैं कि बाप रे कितनी मेहनत का काम है। सो आप देख लीजिए कितने बेसिक से मसालों से मैं बनाती हूँ, तो फुल वीडियो आप जो रेसिपी वाली है वो वॉच करके आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ मोहित आ गया था, मोहित भी बैंगलोर से आया हुआ है, तो उसने आते ही हम लोगों से मिलने के लिए आया था, तब तो चिंकी भी नहीं आ पाया था, तो उसने मुझसे बोला कि आंटी किसी दिन हो पाए तो मुझे बिरयानी खिला दीजिएगा और मंगोड़े खिला दीजिएगा, ये 2 चीज़ की फरमाइश उसने की है। तो उसने आके बोला कि अभी इसके दोस्तों को आने में टाइम है सबके, तो आप मुझे खाना दे दो, तो टाइम तो हो ही गया था खाने का, सबसे पहले उसी को दे दिया मैंने, विवेक को दे दिया था, हस्बैंड ने खा लिया था, तो इस तरीके से। उसके बाद मैं हाउस हेल्पर आ गई, तो ये इस रूम की जो चादर है वो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो दीपावली पे बिछाई हुई थी बट बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी, थोड़ी प्रिंटेड थी, तो मैंने बोला चलो कर देते हैं, वैसे भी सैटरडे का दिन था, करना तो था ही, तो यहाँ कर दिया था। और अब इसके सारे दोस्त आ गए हैं, ये आंचल के सारे दोस्त हैं,
सब साथ में ही पढ़ते हैं। और ये देखिए, जब एस्ट्रो का बर्थडे है तो कोको भी आया हुआ है। ये रितेश के दो पग हैं, पोगो एंड कोको। और ये कोको बहुत ही ज़्यादा सीधा है, बदमाशी बिल्कुल नहीं करता। ये देखिए बर्थडे बॉय की ड्रेस देख लीजिए अब आप, इतना प्यारा लग रहा था और आराम से उसने पहन लिया है। उसको गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिले हैं, आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। और पोगो की ड्रेस, सॉरी कोको की ड्रेस कितनी अच्छी है इनकी। और फाइनली टाइम आ गया है केक कट करने का, तो खूब धूमधाम से हमने अपने एस्ट्रो का बर्थडे मनाया। एक्चुअली बर्थडे बॉय ही नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो बस बहुत ज़्यादा मतलब दिल के करीब है हमारे एस्ट्रो, होता है ना कि भाई हमारा पेट है और इतना प्यारा है, दिन रात हमारे साथ रहता है, तो उसका बर्थडे आए और हम ना मनाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। देख लीजिए बर्थडे बॉय रेडी भी हो गया है, पूरा टोपी ओपी लगा के एकदम। और कोको बार बार एस्ट्रो के पास में आता है खेलने के लिए, मगर एस्ट्रो है कि इतना एटीट्यूड में रहता है, उसको पसंद नहीं है। जैसे ही वो आता है वैसे ही भागने लगता है कि मतलब इसको हटा लो उसको पसंद नहीं है और वो बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरे घर में कोई और दूसरा डॉग आया है, जेलसी फील करता है, ये हमने नोटिस किया है। और बस सारी तैयारियाँ होने के बाद में फिर चिंकी ने उसका हाथ पकड़ के केक कट करवाया है। सो यहाँ केक काटना हो गया था और काफ़ी अच्छा केक था। पिछली बार हम लोगों ने वो मंगाया था जो डॉग स्पेशल केक होता है, बट उसको फिर किसी ने खाया ही नहीं, एस्ट्रो तक ने नहीं खाया, तो हमने फिर नॉर्मल वाला ही मंगाया। सो यहाँ केक वगैरह काटना हो गया था एंड सारा सब कुछ रिंग लाइट वगैरह लगा के सब फोटोज़ भी ले रहे थे। बस उसके बाद में सारा सेटअप वहाँ से हटा के यानी कि क्लीन करके फिर यहाँ पे बनाई है चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो आंचल के जो तीन चार फ्रेंड्स हैं वो मेरे घर की चाय ज़रूर पीना पसंद करते हैं, पसंद है उनको, तो उन्होंने बोला आंटी हम भी पियेंगे। और ये इतना समझदारी का काम आंचल ने ही किया था कि इतने लोग आएंगे, खाना पीना होगा तो फिर डिस्पोजेबल जो होता है बस वो मंगा लिया था, वरना कितने सारे बर्तन धोने पड़ते, तो ये प्लास्टिक के नहीं है, सब जो कागज़ वाले होते हैं ना अच्छी क्वालिटी के वो आए थे। तो इन्हीं में मैंने चाय भी दे दी, तो इनमें से चार ने चाय ली थी और चार ने चाय नहीं ली थी क्योंकि वो पीते नहीं हैं चाय। सो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये आंचल ने पूरी सजावट की है और बहुत सुंदर लग रहा था घर, पाइपिंग वाली लाइट लगा रखी है ना, तो उस लाइट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में फिर मैंने ये जो चाय बनाई है इन लोगों को दे दी है एंड देन उसके बाद इन लोगों ने खाना खाया है। तो जो वेज वाले थे उनके लिए पालक पनीर कोफ्ता बाहर से मंगाया था, नान, और घर में जो रायता बनाया था वो था। तो बिरयानी के संग रायता बनता ही है। तो इस तरीके से हमारे एस्ट्रो का बर्थडे खूब बढ़िया से धूमधाम से मन गया और उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं, मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको शो ज़रूर से करूँगी। यहाँ आंचल परोसने लग गई थी अपने जो वेज वाले फ्रेंड हैं तीन, उनके लिए तो रायता, पालक पनीर कोफ्ता और नान, ये खाना वेज वालों का था और बाकी तो जो नॉन वेज खाते हैं उनका तो घर पे ही बना था, क्योंकि तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, जितना कर पाई उतना किया, क्योंकि एट ए टाइम उसका बर्थडे भी पड़ गया तो फिर कर भी क्या सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए सब कुछ हो तो गया। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।